अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम बैक। और मैं इतनी दिन इतने महीनों से गायब थी, आई नो दैट फ्रॉम यूट्यूब। कोई ऐसा खास कुछ रीज़न नहीं है मेरे पास, बट आई वुड लाइक टू से कि मेरे एग्ज़ाम्स थे जो कि फिर 5 महीने पोस्टपोन हो गए हैं। अब फिर मैं 5 महीने के लिए जो छोड़ देती, मैंने बोला नहीं, अब तो हमने वीडियो डालनी ही डालनी। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही मस्त वीडियो के साथ, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। सो बेसिकली आज की वीडियो है रिक्रिएशन वीडियो सीरीज़, रिक्रिएशन सीरीज़ की एपिसोड 1, जिसमें मैं अपनी फेवरेट बिलव्ड इंस्पिरेशन यूट्यूबर, शी इज़ अ यूट्यूबर टू, शी इज़ इंस्टाग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट मरियम बिनत यूनिस बर्क्स ऑफ बीइंग हिजाबी आलू। सो बेसिकली आज मैंने उनकी 3 फ़ोटोज़ को रिक्रिएट किया है, और इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन उनके पोजेस, स्पेशली उनकी स्माइल, दैट किलर स्माइल, मतलब यार क्या स्माइल है उनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लस उनकी उनका हिजाब भी, स्टाइल भी क्रिएट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बट आई डिड इट। सेकेंडली यार क्या बननी है वो, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट सपोर्ट हो। सेकेंडली सब ये बात याद रखें कि मैं उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करी, उनका मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। दिस इज़ जस्ट द रिक्रिएशन ऑफ फ़ोटोज़, टेक इट लाइक दैट। और सेकेंडली इन्जॉय द वीडियो। सो पहली पिक्चर है ये, तो मैंने ये पिक्चर चूज़ की क्योंकि थोड़ी ईजी थी और मेरे पास सिमिलर चीज़ें भी थी। और क्या फ़ोटो आई है, मतलब एक दफ़ा मुझे फ़ोटो की तारीफ करनी है, लाइक वाओ। सन किस्ड फ़ोटो है, काफ़ी अच्छी, रेड दुपट्टा पहना हुआ है, सेम मेरे पास रखा था, हिजाब कैप मैंने वैसे बनाई, उसके बाद आउटफिट को रिक्रिएट करने के लिए नीचे दुपट्टा पहना ऑरेंज, और ज्वेलरी भी सेम थी। तो अब आप लोग जाकर देखें इसके बिहाइंड द सीन्स के मैंने मेकअप कैसे किया है और कितना मैंने गंद मचाया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। एंड यस, मेरे पास लेंस नहीं था तो मैंने हर पिक्चर में लेंस एडिटिंग से डाला है, और बाकी जो एडजस्टमेंट की है वो भी एडिटिंग से की है पिक्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कपड़ा था जिसको मैंने टर्न किया है आगे से, और उसकी हिजाब कैप बना ली है, उसके बाद मैं उसको सेट कर रही हूँ। फिर मेरे पास रेड दुपट्टा था, मैंने वो लिया है, और उससे और नीचे जो मैंने ऑरेंज दुपट्टा बांधा हुआ है, इसलिए बांधा हुआ ताकि जगह पर रह हिले नहीं, ताकि बाद में उसको सेट कर सकूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हिजाब क्रिएट करना वाकई मुश्किल था, क्योंकि बर्क्स ऑफ बीइंग हिजाबी, द क्वीन हिजाबी का स्टाइल रिक्रिएट करना आसान बात नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह मैं कर रही हूँ, और पीछे मेरा पर्दा हिल रहा है जो कि मेरा बैकग्राउंड है, तो मतलब जज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अंगूठियाँ दिखा रही हूँ कि बस सेम अंगूठियाँ हैं, और फिर नेकलेस भी मेरा तकरीबन सेम था। फिर मैंने सामने शीशा रख के अपनी बूथी पे फुल ब्लश लगाया, जिस तरह उनका ब्लश सन किस्ट में बहुत प्यारा लग रहा था सन किस्ट फोटो में, तो मैंने बोला यार ब्लश तो फुल सही से थोपना है। तो फिर मैंने ब्लश लगाया, फिर उसी पैलेट से मैंने हाइलाइटर भी उठा लिया, और मैं वो लगा रही हूँ। और हिजाब मेरा इस टाइम ख़राब है, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा, अभी आप देखें तो सही आ गए। उसके बाद मैं पिक्चर्स लेने पर आ गई हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फुल जो है ना इन माई मूड हूँ, और मैंने दुपट्टा वगैरह सब सेट कर लिया, और अब मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ, और फिर बार बार पिक्चर्स क्लिक करके देख रही हूँ कि सही हुई है कि नहीं, और फिर मैं खुद को देख रही हूँ कैमरा में कि ओह मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, जबकि मैं नहीं लग रही। अब सीन ये है कि इस पिक्चर को रिक्रिएट करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। मेरे पास इस तरह का हार था, लेकिन आप देख सकते हैं उनका गोल्डन था, मेरा जो था वो सिल्वर था। और जल्दी से मैंने यहाँ पे मेकअप किया है वगैरह, और सारा कुछ करके मैं अपना हिजाब करके आई हूँ उनकी तरह, और उसके बाद मैंने फ़ोटो क्लिक की हैं। और पोज काफ़ी मुश्किल था, लेकिन देन आई स्टिल हैव मैनेज्ड इट। प्लस उनकी हर पिक्चर में उनका एक ख़ास लेंस होता है, मेरे पास वो लेंस नहीं था, फिर मैंने फ़ोटो एडिटिंग में लेंस डाला वो, एंड देन हियर इज़ द रिज़ल्ट। मुझे तो अच्छा लगा, अब आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मुझे लगता है काफ़ी हद तक पिक्चर सेम आई है, तो यस आई जस्ट रियली लाइक इट। लेकिन उनकी तो बात ही और है ना, मतलब उनकी स्किन, उनका वो लुक, ओहो हो हो। सेकंड पिक्चर पे चलते हैं, सेकंड पिक्चर है ये।
अब इस पिक्चर का ये सीन था कि ये जो है मेरे पास सेम दुपट्टा नहीं था, मतलब मेरे वाले पे हल्का हल्का प्रिंट था, बट स्टिल आई मैनेज्ड। उसके बाद उन्होंने जो माथे पे पहना हुआ है पीच कलर का, वो पीच कलर का तो नहीं, उन्होंने शीशे का पहना हुआ था। मेरे पास पीच कलर की माला थी तो मैंने वही अपने सर पे किसी तरह मैनेज की। सेकेंडली उनकी हिजाब कैप में सिल्वर शाइनिंग कुछ था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे पास गोल्डन शाइनी दुपट्टा था जिसको मैंने लपेट लिया। और उसके बाद मैंने अपने येलो शुरू किया। हिजाब क्रिएट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, वो टिक नहीं रहा था, मेरा बहुत नरम दुपट्टे का था, फिसल रहा था, बट स्टिल आई मैनेज्ड। उसके बाद नीचे जो मैंने, आप ये ब्राउन देख रहे हैं, ये भी एक दुपट्टा है और ये मैंने उल्टे दुपट्टे को लिया हुआ है जिसकी वजह से ब्राउन आ रहा है। और मैंने देख सकते हैं पिक्चर्स क्लिक की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने घर के दरवाजे, कमरे घर के मेरे कमरे का दरवाजा जो था वो वाइट था, उसके पास मैं आई हूँ और मैंने वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक की हैं। बार बार मुझे लग रहा था कि शायद कैमरा ऑफ है, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। खैर, उसके बाद मैंने उसको नीचे से आप देख सकते हैं, मैंने शर्ट कुछ और पहनी हुई है, दुपट्टा मेरा ये ब्राउन है, उल्टा लिया हुआ मैंने, और इस तरह से आपको सेट किया है। और फिर बार बार हिलजुल रही हूँ और फुल उसके साथ मैंने इसको किया है रिक्रिएट। एंड हियर इज द रिजल्ट। काफ़ी हद तक सेम है ये, थोड़ा सा उनकी स्माइल, मतलब माशाल्लाह से उनकी स्माइल, मैं पहुंच भी नहीं पा रही थी स्माइल तक, बट स्टिल आई जस्ट मैनेज टू डू इट। थर्ड वन इन द लास्ट वन जो मैंने रिक्रिएट की, जो मेरी पर्सनली बहुत 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 फेवरेट है, जो बहुत अच्छी हुई है और मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रिक्रिएट हुई है, तो वो है ये वाली। अब इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने ब्लैक वाइट पट्टू लिया हुआ है, ब्लैक वाइट शर्ट पहनी हुई है। मेरे पास सिमिलर ब्लैक वाइट शर्ट थी लेकिन पट्टू ब्लैक वाइट था पर उसमें ब्लैक ज़्यादा था, तो वो मैंने किया। उसके बाद मेकअप लुक काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था, रेड लिपस्टिक और ये सब कुछ। और अब इसमें आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हूँ तीसरे के लिए। मैंने इस लुक को चेंज नहीं किया, दूसरे लुक को बस थोड़ा सा ज़्यादा एनहेंस किया है जो दूसरी पिक्चर के लिए रिक्रिएट किया था। बस लाइनर लगाया है और ब्लश उनका ऑरेंज था, मेरे पास ऑरेंज ब्लश था नहीं उस तरह का, फिर मैंने अपनी पैलेट से लेकर जो है ना मिक्स कर करके ऑरेंज बनाया और फुल सही से ब्लश लगा रही हूँ। उसके बाद जो है अब मैं बहुत ज़्यादा ब्लश लगा रही हूँ, बहुत 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 ब्लश लगा रही हूँ और बस लगाती जा रही हूँ। और उसके बाद जो है ना जब मैंने ब्लश लगा लिया है तो मतलब मैं ब्लश ही लगाती जा रही हूँ यार, मतलब जल्दी करो, आगे की वीडियो कितनी रहती है। तो अब मैं यहाँ पर ब्लश लगा रही हूँ, मैंने दुपट्टा सही किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ ठीक उसी दरवाजे के सामने, फुल अपने जो है ना दांत निकाल कर रही हूँ स्टफ, और होपफुली पिक्चर वैसी आई है। और अब मैं यहाँ पर लिटरली बुरी तरह थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, बट स्टिल स्टेमिना यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका था, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत थकी हुई थी मैं इस टाइम। और ये है रिज़ल्ट। तो सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरी बहुत मेहनत लगी, लिटरली मेरे कोई इसमें 3 दिन लगे हैं। पहले दिन मैंने फर्स्ट वीक वाली फ़ोटो रिक्रिएट की, उसके बाद मैं उस दिन काफ़ी थक गई क्योंकि मेरा पहली दफ़ा था फ़ोटो रिक्रिएशन करना, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया ओके ये सब कुछ कैसे होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं कोई फ़ोटो नहीं रिक्रिएट कर पाई बिकॉज उस दिन मेहमान थे, घर में दावत थी। फिर तीसरे दिन मैंने फ़ोटो रिक्रिएट की, मैंने एक और फ़ोटो भी चूज़ की थी लेकिन देन आई वाज लाइक नहीं अभी सिर्फ 3 ही करते हैं बिकॉज मैं कर नहीं पा रही थी, मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया था, बट स्टिल। और अगर वो देख रही हैं जिनके लिए मैंने फ़ोटो रिक्रिएट की है, मरियम बाजी, आपी, आलू, तो आई होप यू लाइक इट। और बाकी भी जो देख रहे हैं, होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये episode 1 थी, इंशाल्लाह इसकी काफ़ी सारी episodes आने वाली हैं और मैं अपने फेवरेट लोगों की pictures को recreate करने वाली हूँ। So stay tuned.